खबर गाजीपुर जनपद से, जहां कासोवा थाना क्षेत्र बीरन पहलवान का अखाड़ा भटबलिया ग्राम सभा में दूसरे दिन भी भक्तों की भारी भीड़ जमी रही। श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करने के लिए लोगों में काफी उत्साह था। सदगुरुदेव जसपाल महाराज के परम शिष्य महात्मा सारनंद, महात्मा सुकर्म नंद, महात्मा ज्ञान युक्ता कथावाचक ललितपुर से आए अवधेश मिश्रा किंकर के द्वारा तन मन धन से समर्पित पूर्व जिला पंचायत सदस्य चंद्रहास पहलवान पत्नी भारती यादव परीक्षित के रूप में कथा का श्रवण करते हुए भक्ति के सागर में डूबे हुए दिखाई पड़े। वही भक्तों की भीड़ में माताओं बहनों ने भी कथा का रसपान किया। यह कथा 28/4/2022 तक चलेगी। वहीं इस दौरान दूर दूर से कथा का रसपान करने के लिए भक्तगण पहुंच रहे हैं। गाजीपुर जनपद से मनोज दुबे की रिपोर्ट। अभी मजा दिया बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे। भाइयों बहनों माताओं, आज से 450 साल पहले या यूं कहें 500 साल पहले हमारे देश में सती प्रथा हुआ करती थी। कोई बहन का अगर पति संसार से चला जाए तो उस बहन को सती होना पड़ता। भगवान ना करे, मैं इस व्यासपीठ से आप लोगों के लिए यही निवेदन करता हूं कि कभी मेरी माता बहन इस जीवन में ऐसी स्थिति ना बने। लेकिन भाइयों बहनों माता, एक बहन कि नई नई शादी हुई, गौर से सुना, नई नई शादी हुई और उसका पति एक हफ्ते बाद इस संसार से विदा हो गया। इधर पति की अर्थी लगाई गई, उधर बहन की डोली सजाई। पति की अर्थी जाकर के शमशान घाट पर पहुंच गई, उस बहन की डोली सजी।
राम जागरण का वंदेताम परमेश्वरी भगवती।